अच्छा, ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके हम अगर ग्रुप्स बना रहे हैं, जैसे ये बन गया पहला ग्रुप 1110, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये वाला ग्रुप बन गया 0100, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे पास ग्रुप बन रहा है ना, वो आखिर बच रहा है सिर्फ 1, ठीक है। तो 1 का तो हम ग्रुप नहीं बना सकते, ठीक है। हमें हमारे पास 4 होने चाहिए, 4 बिट होने चाहिए, 1 बिट पे नहीं बन सकता। तो अब हम इसको 4 बिट कैसे करेंगे? तो ये होता है कि अगर आपके पास ग्रुप फुलफिल ना हो रहा हो, तो आप इसकी लेफ्ट साइड पे जो है वो एक्स्ट्रा जीरोस लगा देते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा उतने जीरो लगाते हैं जितने रिकॉर्ड होते हैं। जैसे ये सिर्फ एक सिंगल बिट था, इसको हमने और बिट में लेकर आना था, तो हमने 3 जीरो लगा दिए, तो ये पूरा 4 बिट बन गया, ठीक है। तो ये होती है एक कंडीशन, सही है। हो सकता है टीचर एक सवाल दे दें, वो कहें कि ये नंबर है, इसको बीसीडी टू बाइनरी करो, फिर उसको बाइनरी टू बीसीडी करो, ग्रे कोड टू बाइनरी करो, बाइनरी टू ग्रे कोड करो, एक्सेस थ्री निकालो। मतलब एक ही सवाल में वो सारी चीज़ें दे दें, क्योंकि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, तो वो एक ही सवाल में सारी चीज़ें दे दें, सही है। तो ये हमारा बी सी डी टू बाइनरी, बाइनरी टू बी सी डी हो गया। अच्छा, अब आता है ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है? बेसिकली आपको एक नंबर मिलता है, बाइनरी नंबर, ठीक है, 0110, ये आपको नंबर मिला है बाइनरी। अब इसको आपने करना है ग्रे कोड में कन्वर्ट, ठीक है। तो कैसे करते हैं ग्रे कोड में कन्वर्ट? 0110, ठीक है। ये आप स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट ना, इसकी इस तरह से मार्किंग कर दें, B0, B1, B2, B3, ठीक है। नीचे भी आपने इसी तरह से लिखना है, B इसलिए क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। ग्रे कोड अभी जो ये रिजल्ट निकल कर आया है, इसको छोड़ दें, इस पे भी आपने नीचे ऐसे ही लिखना है G0, G1, G2, G3, ठीक है। जो ऊपर होनी चाहिए मार्किंग, वही नीचे। जैसे अगर बी नॉट ऊपर है, तो जी नॉट भी वही होना चाहिए। अगर बी वन है, तो जी थ्री ना हो, जी वन ही हो, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है 0110, इसको हमने ग्रे कोड में कैसे करना है, ठीक है। तो इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी जो लेफ्ट से जो पहला आता है, वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो बाइनरी है, ठीक है, ये जो बाइनरी है हमारे पास जीरो, इसको हमने एज इट इज जीरो लिख दिया, ठीक है, एज इट इज। अब दूसरा ग्रे कोड हम कैसे निकालेंगे? 0 और 1 के बीच जो है हम करेंगे जोर, ठीक है। जोर की एप्लीकेशन क्या होती है? 0 1 का रिजल्ट क्या आता है? 1। तो ये हमने 1 लिख दिया। अब 1 और 1 का रिजल्ट क्या आता है? 0। तो ये हमने 0 लिख दिया। अब 1 0 का रिजल्ट क्या आता है? 1। तो ये हमने 1 लिख दिया, सही है, समझ आया। दोबारा बताती हूँ, ये हमारे पास बाइनरी नंबर, जी ये हमारे पास बाइनरी नंबर है 0110, इसको हमने करना है ग्रे कोड में, ठीक है। तो ये हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे B0, B1, B2, B3, ठीक है। जो इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, उसको हम सॉरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। और फिर B3 और B2 के बीच जोर करेंगे, तो हमारे पास G2 आ जाएगा। फिर B2 B1 के बीच जोर करेंगे, तो हमारे पास G1 आ जाएगा। फिर B1 B0 के बीच जोर करेंगे, तो हमारे पास G0 आ जाएगा। ये होता है बाइनरी टू ग्रे कोड, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल भी बनता है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। सिंपल, हमने इनपुट ली B0 B1 B2 B3, ठीक है। और फिर हमारे पास आउटपुट, अच्छा, क्योंकि ये 4 इनपुट हैं, ठीक है, तो ये 16 बिट का ट्रुथ टेबल बनेगा। ग्रे कोड क्लियर नहीं है? अच्छा, देखिए इसकी ना बहुत सिंपल लॉजिक है, इतनी ज़्यादा नहीं है कोई।
ये हमारे पास नंबर है 0110, ठीक है? तो इसका जो बाइनरी है वो हम सिंपल लिख देंगे 0110, ठीक है? इन सारे बिट्स को ना हम एक नाम दे देंगे, जैसे इसको दे दिया B0, B1, B2, B3, सही है? इन सबको एक नाम दे दिया, B0, B1, B2, B3। अब इसका ग्रे कोड निकालेंगे कैसे? लेफ्ट टू राइट हम स्टार्ट करते हैं, सही है? लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट में जो ये जो लेफ्ट आता है ना, सबसे पहले ये कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे B3 पे 0 है अगर, तो हमने G3 भी 0 लिख दिया, यानी कि ग्रे कोड जो पहला हमारे पास बिट आ गया वो 0 आ गया। अब B3 और B2 के बीच जो है वो जोर करेंगे, ग्रे कोड का यूज क्या है इसका मेरे पास भी आंसर नहीं है। ये ग्रे कन्वर्टर है। कोड, ग्रे कोड एरर करेक्शन से बचाने के लिए होता है। अगर ट्रुथ टेबल पे आप आएंगे ना, वो ट्रुथ टेबल में अगर देखेंगे ना, तो हर अगली रो में ना सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है, तो ये एरर करेक्शन से बचने के लिए होता है। सही है, जैसे सबसे पहले 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर उसके बाद 1 0 के बजाय 1 1 आ रहा है, क्योंकि 1 0 अगर करेंगे ना थर्ड स्टेप में, तो हमारी 2 बिट चेंज हो जाएंगी। पहली वाली बिट भी चेंज हो जाएगी और दूसरी वाली भी, इसलिए हमने सिर्फ पहली वाली बिट को चेंज करके 1 1 करा है, और फिर जब हम चौथे में आ रहे हैं तो हम 1 0 करेंगे। ठीक है, ठीक है, आंसर मिल गया, सही है, थैंक यू। अच्छा, तो इसकी लॉजिक सिंपल यही है, B3 ऐसे ही लिख देंगे, फिर B3 B2 का जोर करके G2 निकालेंगे, B2 B1 का जोर करके G1 निकालेंगे, B1 B0 का जोर करके G0 निकालेंगे, ठीक है? इसका ट्रुथ टेबल भी ऐसे ही बनता है, ठीक है? ये जो B3 है ना, ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इस पूरे को उठा के हमने G3 में एज इट इज लिख दिया, ठीक है? ये पूरा हमने एज इट इज लिख दिया। अब B3 और B2 का जो है वो हमने जोर किया, 0 0 0 0 0 0 0 1 1, ठीक है? तो G2 हमारा इन दोनों के बीच जोर किया तो G2 आ गया, B2 और B1 के बीच जोर किया तो G1 आ गया, B1 और B0 के बीच जोर किया तो हमारे पास G0 आ गया। तो इसका ट्रुथ टेबल भी सेम ऐसे ही बनेगा। अब हमारे पास आता है, इसकी सर्किट डायग्राम भी है जो कि इस तरह से बनेगी, ठीक है? अच्छा, अब आता है ग्रे कोड टू बाइनरी, ठीक है? उस वक्त जो हमने पढ़ा वो था बाइनरी टू ग्रे कोड, अब आता है ग्रे कोड टू बाइनरी। अब इसमें इन्होंने ग्रे कोड दिए, नंबर दिया है 1011, ठीक है? 1011 ये हमने लिख दिया, 1011, ठीक है? G0, G1, G2, G3, ठीक है? अब इसका जो है वो हमने निकालना है बाइनरी। तो बाइनरी में हम क्या करते थे कि मोस्ट सिग्निफिकेंट ऐसे ही बिट हम लिख देते थे, और फिर उसके बाद जो है B3 और B2 को जोर करते थे तो हमारे पास G1 आता था, G2 आता था, ठीक है? फिर B2 और B1 का करते थे तो हमारे पास G1 आता था, B1 B0 का करते थे तो हमारे पास G0 आता था। अब इसमें क्या है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है? ये 1 था तो हमने ये 1 लिख दिया। अब ये जो आंसर आया है ना, यानी कि जो B3 आया है हमारे पास, इस B3 को G2 से हम जोर कराएंगे तो हमारे पास B2 आएगा, ठीक है? यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमने ऐसे ही लिख दिया जो कि 1 था। अब इस 1 को हमने 0 से जोर करवाया तो 1 0 इस 1, ये 1 आ गया। तो यानी कि जो आंसर आ रहा है ना, उसको हम नेक्स्ट बिट से जोर करवाएंगे। जो आंसर आ रहा है, यानी कि जो बाइनरी हमारे पास बिट निकल कर आ रहा है, उसको हम नेक्स्ट ग्रे कोड के बिट से जोर करवाएंगे। तो हमने इस 1 0 को जोर किया तो हमारे पास B2 1 आ गया। फिर B2 और G1 का हमने जोर किया तो हमारे पास B1 आ गया, और फिर B1 और G0 का जोर किया तो B0 आ गया। जी, ग्रे कोड में जोर ही यूज होगा।
जोर के अलावा नहीं होगा कुछ यूज़। अब इसका जो ट्रुथ टेबल है, इसका ट्रुथ टेबल भी सेम यही काम करेगा। जी थ्री को एज इट इज बी थ्री लिख दिया। अब ये जो बी थ्री आंसर आया है ना, इसको हम जी टू से जोर करवाएंगे तो हमारे पास बी टू आएगा। फिर बी टू को जी वन से जोर करवाएंगे तो हमारे पास बी वन आएगा। फिर बी वन को हम जी नॉट से जोर करवाएंगे तो हमारे पास बी नॉट आएगा। तो ये होती है ग्रे कोड टू बाइनरी। इसके डायग्राम भी ऐसे ही है कि हमने जी नॉ सॉरी नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सबसे नीचे से जी थ्री हमने इनपुट ली, वही आपकी बी थ्री बन गई। ठीक है, इसमें हमने कोई जोर की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं की, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसकी ये जो इनपुट आई है ना, ये जो बी थ्री बन गया, इसकी हमने इनपुट लिया एक जोर गेट में और जी टू की अलग से इनपुट लेके एक जोर गेट कर दिया, तो वो हमारे पास बी टू आ गया। अब बी टू जो आया है, यानी जोर की जो आउटपुट आई है, उससे हमने इनपुट लेके बी वन के जो जोर है उसके अंदर कर ली और जी वन की एक और इनपुट लेके जोर में दे दी, तो वो हमारे पास बी वन बन गया। इसी तरह से बी वन की जो आउटपुट आई थी वो हमने लेके इस तरह से कर दी, तो ये हमारे पास ग्रे कोड टू बाइनरी की सर्किट डायग्राम बन गई। सही है, तो हमारे पास बी सी डी टू बाइनरी, बाइनरी टू बी सी डी, ग्रे बाइनरी टू ग्रे कोड टू बाइनरी हो गया। सही है, तो अब है लास्ट जो है वो है एक्सेस थ्री कोड। ठीक है, एक्सेस थ्री कोड है, एक्सेस थ्री कोड। सही है, एक्सेस जो कोड होता है ना वो थ्री से छोटा नहीं होता, थ्री से बड़ा हो जाता है लेकिन थ्री से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक बाइनरी नंबर दिया जा रहा है, 0 0 1। क्या ये एक वो एक्सेस थ्री कोड है? नहीं है। ठीक है, ये एक्सेस थ्री कोड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अगर हम डेसिमल नंबर देखें तो ये डेसिमल नंबर 1 है, एक्सेस थ्री कोड शुरू ही 3 से होता है, तो ये नहीं हो सकता। अगर हम ये वाला कोड देखें, 0 1 1, तो ये हमारे पास डेसिमल नंबर बनता है 3। तो यस, ये जो है ये एक्सेस थ्री है, 1 1 1, ये हमारे पास बनता है नंबर 7। तो ये भी एक्सेस थ्री कोड है, लेकिन ये हमारे पास एक्सेस थ्री कोड नहीं है। ठीक है, इवन 2 भी हमारे पास नहीं आएगा एक्सेस थ्री कोड, ये भी हमारे पास एक्सेस थ्री कोड नहीं है, क्योंकि ये नंबर 2 है, एक्सेस थ्री हमेशा 3 से स्टार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं कि इन्होंने सवाल दिया है कि एक 3-बिट बाइनरी को एक्सेस थ्री में कन्वर्ट करो, उसका ट्रुथ टेबल बनाओ, कार्नोफ मैप के थ्रू उसकी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करो, उसकी सर्किट डायग्राम बनाओ। अब जो हमने फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़ा था ना, उस फंक्शंस वाले टॉपिक को दिमाग में रखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या था कि इसमें अच्छा उन्होंने कर दिया कि 3-बिट बाइनरी है, और तो ये आ गई हमारे पास 3 इनपुट, बी नॉट बी वन बी टू। ठीक है, बी नॉट बी वन बी टू। अब इसकी 3-बिट है, तो ये हमारे पास सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ कैसे रहा है कि ये हमारे पास सारे बाइन वो हैं, डेसिमल हैं, हर डेसिमल में हम जो है वो +3 करा देंगे। +3 हम क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अगर हम डेसिमल में पहला नंबर देखें तो वो 0 आ रहा है, हमारा एक्सेस थ्री 3 से स्टार्ट होता है, तो हमने उसको 3+ करा दिया, वो नंबर 3 बन गया। ठीक है, तो 1 में प्लस किया, अब हमें सब में प्लस करना पड़ेगा, तो इन सब में हम 3 3 3 3 प्लस कर देंगे, तो लास्ट जो हमने 7+3 किया वो हमारे पास 10 आ गया। 10 हमारे पास होता है 4-बिट का। ठीक है, 4-बिट बाइनरी, तो हमने ये कर दिया एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अच्छा, फंक्शंस पे जो है वो हम एक्स नॉट की जो सीक्वेंस थी वो लेफ्ट से राइट कर रहे थे, यहाँ पे राइट से लेफ्ट। तो एक बात मैं मेंशन कर दूँ कि आप इसकी कोई सी भी सीक्वेंस रख सकते हैं, उसका कोई वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ इसकी, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये 3-बिट बाइनरी है, तो हमने इसको कर दिया बी नॉट बी वन बी टू। ठीक है, 3-बिट का हमने इसका ट्रुथ टेबल बना दिया यहाँ तक।
अब फंक्शंस में हमने जैसे किया था ना, एक्स इज इक्वल टू 0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, 7, मतलब डेसिमल नंबर। तो हमारा यहाँ पे डेसिमल नंबर स्टार्ट किससे होता है? 0 से होता है। एक्सेस 3 जो है वो हमारा 3 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जब वो हमारा 3 से स्टार्ट होना चाहिए तो डेसिमल 0 तो हमारा एक्सेस 3 नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने उसमें नंबर 3 प्लस करा दिया। नंबर 3 जब हमने उसमें प्लस करवा दिया तो वो नंबर 3 बन गया, तो ये हमारा एक्सेस 3 बन गया। अब हमने फिर सब में ही नंबर 3 प्लस करवाना है। सब में 3 प्लस करवाया तो लास्ट हमारे पास क्या बना? सबसे बड़ा नंबर 10। 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास 4 बिट का आया। 4 हमने यहाँ पे कॉलम बनाए इसका, हमने जैसे ये 3 था तो 2 + 1 इज 3, बाकी 0 कर दिया, 4 इज ये 4 बाकी 0, इस तरह से करके हमने इसका ट्रुथ टेबल बना लिया। अब जैसे फंक्शंस में हम कर्नौफ ऑफ मैप बना रहे थे, इसके अंदर भी वैसे ही कर्नौफ ऑफ मैप बनाएंगे। एक्स नॉट का हमने कर्नौफ ऑफ मैप बनाया, दिस इसकी मिनिमाइज 100 लिख दी। x1 का बनाया, x2 का बनाया, 3 का बनाया, ठीक है। फिर इसकी ये हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दी। ये सर्किट डायग्राम बड़ी लग रही है, दिखने में खतरनाक लग रही है, लेकिन अगर इसको समझे तो ये बहुत आसान है, ठीक है। x3 से अगर स्टार्ट करें तो x3 की जो है वो इक्वेशन बनी थी a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो a इंटू, तो सबसे पहले b प्लस सी क्या है? और गेट हो रहा है, तो b प्लस सी का इन्होंने एक और गेट बनाया, उसकी आउटपुट को एक एंड गेट में लगा दिया और a की इनपुट को लेके एंड गेट में लगा दिया, तो ये हमारे पास x3 आ गया, a इंटू बी प्लस सी। अब दूसरा हमारे पास आ रहा है x2। x2 की जो सॉप है वो थोड़ी बड़ी जा रही है, जैसे है a इंटू बी बार इंटू सी बार प्लस ए बार इंटू बी प्लस ए बार इंटू सी इज इक्वल टू x2। सबसे पहले a इंटू बी बार इंटू सी बार बनाया, ठीक है। तो ये क्या किया हुआ है यहाँ पे कि b बार c बार को बनाया एंड गेट में, ठीक है। ये b की इनपुट ली, बी पे बार लगाया एंड गेट में किया, सी पे बार लगाया एंड गेट में किया, तो ये बन गया बी इंटू सी बार, ठीक है। इसी के आउटपुट को जो है इन्होंने दूसरे एंड गेट में इनपुट दे दी, और एक और ए जो है उसको इनपुट दे दिया, तो ये बन गया ए इंटू बी बार इंटू सी बार, इसको एक और गेट के अंदर इनपुट दे दिया। फिर क्या है? ए बार इंटू बी, तो ए बार इंटू बी, ठीक है। तो ए बार इंटू बी क्या किया है? ए लिया, ठीक है, और फिर बी बार जो है वो ऑलरेडी निकला हुआ था, तो वहीं से बी बार उठा के बी बार ले बी ले लिया, सॉरी बार नहीं है, ए पे बार है। इन्होंने जो है वो नीचे कोई ऑलरेडी दी हुई है, ऑलरेडी ना ए पे यहाँ पे बार बनाया हुआ है, ए लेके इस पे बार लगा के ये बनाया हुआ है, तो यहीं से ए बार ले लिया, बी की इनपुट ऊपर से ले ली, ए बार इंटू बी हो गया। फिर ये ए बार था, नॉर्मल सी था, तो ए बार इंटू सी हो गया। इन दोनों को एक और में कर दिया, इसकी आउटपुट को और इसकी आउटपुट को एक और में कर दिया, तो ये हमारे पास x2 आ गया। x3 हमारे पास सिंपल एक एक्स नॉर गेट था, तो क्या किया? बी एक्स नॉर सी, तो बी और सी को एक एक्स नॉर गेट लगा दिया, तो ये x1 बन गया, सी एक्स एक्स वन बन गया। एक्स नॉट जो है वो हमारे पास सिंपल सी बार है, ठीक है। तो सी बार हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ, तो उसकी एक लाइन लेके ये कर दिया, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई। सही है। अच्छा, इक्विवेलेंस ऑफ लॉजिक गेट ना ये मैंने पढ़ाया था, आप लोग एक दफ़ा लास्ट वाली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा तो उसमें ना ये समझ आ जाएगा, हमने एक दफ़ा एक्सप्लेन किया। उसके अलावा आप लोग खुद से इसको बनाइएगा, खुद से प्रैक्टिस किएगा तो ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस यही है कि एंड गेट को नैंड गेट से बनाओ, एंड गेट को नॉर गेट से बनाओ, या नैंड गेट को एंड से बनाओ, और गेट को नॉर गेट बनाओ और गेट से, तो इस तरह से इक्विवेलेंस है। उसके बाद जो एक्सप्लोर करने के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो हैं। और ये ना एक एग्जाम्पल क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया था मॉडलिंग के पेपर में। उसमें लिखा है एक लॉजिक मैप बनाओ जिसकी आउटपुट जो है वो वी है, ठीक
ठीक है, जैसे हम नहीं करते एक्स आउटपुट रख देते हैं, वाई रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, तो ये कह रहा है कि आउटपुट वी है, जो वी है वो मैक्स है, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे कह रहा है कि जो वी है वो मैक्स है, एज इन मैक्स टर्म है, यानी कि वो कह रहा है कि जो है यहाँ पे पॉज यूज हो रहा है फॉर M0, M3, M4, M8, 12, 14, ठीक है, M जो है वो मैक्स के लिए स्टैंड करता है, ये 0, 3, 4, 8, 12, 14 जो है ये डेसिमल नंबर्स हैं। वो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन बनाओ और फिर जो है उसका कार्नोफ मैप बनाओ। तो ये सवाल है, अब इससे हमें हर चीज़ पानी है। ऐसे ये मैक्स से हमें पता चल गया ये पॉज है, 14 जो ये नंबर आ रहा है ना, इससे हमें पता चल गया कि इसके अंदर चार वेरिएबल हैं, चार वेरिएबल का 16-बिट ट्रुथ टेबल बनता है जिसके अंदर ये 14 नंबर आता है। तो हमें समझ आ गया कि 4-बिट वेरिएबल का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका बना लिया, ये 4-बिट का, ठीक है, इसकी आउटपुट वी बना लिया। अच्छा, वी ऐसे बनाया है कि ये जो मेंशन है ना, M0, M3, M4, 8, 12, 14, 0 ये है, 3 और 4, 8, 12, 14, जहाँ जहाँ ये नंबर है वहाँ वहाँ हमने 0 लिख दिया। 0 इसलिए लिखा क्योंकि हम पॉज में कर रहे हैं, अगर स्टॉप होते तो यहाँ यहाँ हम 1 लिखते थे, बाकी रिमेनिंग जगहों पे हमने 1 लिख दिया। और इसमें जो वो बन रही है, इक्वेशन बन रही है, जैसे 0 हमारे पास पॉज में विदाउट बार होता है, और 1 जो है वो विद बार होता है, तो इसकी इक्वेशन बन गई a+b+c+d, ठीक है। फिर इसी तरह से सारी इक्वेशंस बन गई, तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आई, दिस, इसकी इक्वेशन हमारे पास ये आई है, ठीक है। इस इक्वेशन का जो है वो हमने कार्नोफ मैप बनाया, कार्नोफ मैप बना लिया, इसकी सिंप्लीफाइड ये आ गई और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये एंड था DCDF का। अगर आपने एक ही दफ़ा में 1 go में मेरे साथ हर चीज़ समझ ली है, तो आप के लिए पेपर में कल कोई मुश्किल नहीं होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो पूछ सकते हैं आप।